अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम आ चुके हैं, इंटरनल एग्ज़ाम बीएससी पार्ट वन यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम है हमारे, तो हमारा जियोलॉजी का एग्ज़ाम आ चुका है 15 15 ऑफ जैन के बाद है। तो उसमें एक सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रक्चर जियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट तो सब्जेक्ट है हमारा। उसके अंदर टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक उसके अंदर नहीं है हमारे, डिपेंड स्ट्राइक फॉल्ट फॉल्ट एंड अनकन्फर्मिटी। तो आज हम उसकी जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, उसकी पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो उस सीरीज में पहला टॉपिक आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा डीप एंड स्ट्राइक। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा स्ट्रक्चर जियोलॉजी की जो सीरीज चलने वाली है हमारी कंटिन्यूटी में, तो उसका टॉपिक रहेगा हमारा आज डीप एंड स्ट्राइक। तो सबसे पहले बात यही आती है हमारे माइंड में, और सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है हमारे माइंड में कि डिप एंड स्ट्राइक होता क्या है हमारा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे बैट्स बैट्स मीन्स जो हमारे रॉक्स हैं उनकी जो बैट्स हैं, या स्ट्राटा कहें हमें, जो हमारे बैट्स हैं स्ट्राटा हैं हमारे, जो इंक्लाइंड हो रहे हैं एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के रॉक्स लेयर बन रही है, या ये कहें कि बैट्स लेयर बन रही है, स्ट्राटा लेयर्स बन रही है, उनका एंगल क्या है, उनका इंक्लिनेशन क्या है, किसी का इंक्लिनेशन ऐसा है तो किसी का इंक्लिनेशन ऐसा है, किसी का ऐसा है तो किसी का कैसे है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंक्लिनेशन ऑफ एंगल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को डील करने के एक टॉपिक आता है हमारा डिप एंड स्ट्राइक। तो सबसे पहली बात यह आती है कि हमें डिप की ज़रूरत कैसे पड़ी, या स्ट्राइक की हमें रिक्वायरमेंट कहाँ हुई, उसकी ज़रूरत क्या हुई। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है। तो पहले बात करते हैं कि डिप की रिक्वायरमेंट कैसे हुई। अगर हमारा बैट इंक्लाइंड है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंक्लाइंड हो रहा है यानी हल्का सा झुका हुआ है, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन में अगर वहाँ पर कोई एंगल बना रहा है इंक्लाइंड, अगर कोई बैट्स एंगल बना रहा है इस तरह से, तो हमारे वहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है डिप की। लेकिन अगर कोई बैट हमारा ऐसे इंक्लाइन है वर्टिकली, वर्टिकली इंक्लाइन हो रहा है, ऐसे ऐसे इंक्लाइन हो रहे हैं वर्टिकली, तो वहाँ यूज़ करते हैं स्ट्राइक। तो सबको पता चल गया डिप एंड स्ट्राइक यूज़ क्या करते हैं। अगर हमारा बैट ऐसे इंक्लाइंड हो रखा है तो वहाँ यूज़ करते हैं डिप, अगर हमारा बैट वैसे वर्टिकली इंक्लाइंड हो रखा है तो वहाँ यूज़ करते हैं स्ट्राइक। तब से पहली बात आती है हमारी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन ऑफ डिप क्या होगी हमारी, द इंक्लिनेशन ऑफ अ बैट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, द इंक्लिनेशन ऑफ अ बैट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ऑफ अ प्लेन इज नोन एज डिप। देखो जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है कि जब हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में या बैट्स हमारे जब हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड हो रखे होंगे तो हम यूज करते हैं डिप। ऐसे ही अगर जैसे हमारा ये बैट हुआ है, जैसे तो ये हमारा क्या हुआ, बैट हुआ है ऐसे, फर्स्ट लेयर ऑफ बैट ये रही हमारी, सेकंड लेयर ऑफ बैट ये रही, थर्ड लेयर ऑफ बैट ये रही, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर, तो ये कैसे इंक्लाइंड हो रखी है, अपने टिल्ट कैसे हो रखे हैं, झुकाव कैसे हो रखा है इनका, तो इनका झुकाव कैसे हो रखा है हॉरिजॉन्टली प्लेन में, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनका झुकाव हो रखा है। तो इन्हें अगर यहाँ से इसकी डिप मेजर करेंगे, इसकी डिप मेजर करेंगे तो उसकी 0 डिग्री होगी, ये भी 0 डिग्री होगी, क्योंकि इनका एंगल क्या है, लीनियर। यानी लीनियर क्या होता है हमारा, जब एंगल हमारा 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो तो हमारा लीनियर वहाँ पर क्या होता है, लीनियर। यानी जब प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल होगा या लीनियर होगा तो वहाँ एंगल क्या होगा, 0 और 180 डिग्री। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि डिप के अंदर एंगल क्या होगा हमारा, 0 डिग्री।
कितनी लो रॉक्स लेयर और बेड्स हमारे पास, 1 2 3, यानी जो फर्स्ट लेयर है वो ओल्डर बेड्स, सेकंड लेयर देन उस यंगर, देन फर्स्ट थर्ड लेयर यानी जो लेटेस्ट बिल्कुल जो यंगर होगी हमारी वो थर्ड लेयर होगी। और उसका एंगल अगर हमें एंगल ऑफ डिफाइन करना है तो यहाँ पर अगर हमें एंगल ऑफ डिफाइन करना है तो सिंबल क्या होगा इसका, डिफ कितना होगा इसका, 0। सिंबल कैसे यूज करते हैं इसका, ऐसे। तो यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दिया जाएगा जिससे रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप डिप क्या है, 0। और सबसे पहली पहचान क्या है इसकी कि ये हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड होगा यानी हॉरिजॉन्टली झुका हुआ होगा ऐसे बेड। बात आती है कि हमारे जो डिप है वो कितने टाइप के होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिप। ए फर्स्ट वर्कली हमारी क्या है, ट्रू डिप, देन सेकंड अपेरेंट डिप। अगर डिप का एंगल मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप इज नोन एज ट्रू डिप। जहां पर एंगल हमारा मैक्सिमम होगा वो कहलाती है हमारी ट्रू डिप। जब हमारा एंगल वर्टिकली मैक्सिमम होता है डिप एंगल, यानी जब हम डिप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जब हमारा एंगल वर्टिकली मैक्सिमम होगा तो हमारे कहलाती है अपेरेंट डिप। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिप एंड अपेरेंट डिप। इफ एंगल आर मैक्सिमम बट द प्लेन इज हॉरिजॉन्टली इज नोन एज ट्रू डिप। इफ द एंगल्स आर मैक्सिमम बट द प्लेन इन वर्टिकल इज नोन एज अपेरेंट डिप। तो ये थी हमारे डिप के बारे में, कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह स्ट्राइक के बारे में। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।